hello friends welcome to your youtube channel science with devesh this is devesh kumar and in this series we are discussing the science of class 10th and we have already reached our chapter life process in this chapter we have discussed many things that how life process of a person goes on in this we have already discussed the digestive system of the human beings that how the food is digested and how it is transported to all parts of the body we have also discussed that uh, how a complex food is converted into simpler foods uh, we have discussed earlier हमने पहले ही एक बार डिस्कस की थी कि एनर्जी जो बॉडी के अंदर बनती है एनर्जी कहां पर बनती है एनर्जी सेल्स में बनती है एनर्जी को बनने के लिए क्या क्या चाहिए तो हमने देखा था कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज़ है सबसे पहले वो सिक्स कार्बन चेन की जो ग्लूकोज़ है वो कन्वर्ट होती है थ्री कार्बन चेन के पायरुबेट में मतलब थ्री कार्बन चेन का जो कंपाउंड है उसको पायरुबेट कहा जाता है उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स में अलग अलग प्रोसेस होती है जैसे यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होती है फर्मेंटेशन के दौरान ही वो एनर्जी बनाता है लेकिन यीस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती एनर्जी बनाने के लिए इसीलिए उसको एन एरोबिक कहा जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गनली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और ये क्या काम करता है ये एनर्जी बनाता है बट इसको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी बनाता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है उसको ये बॉडी में से रिलीज़ कर देता है तीसरी एक प्रोसेस होती है अब इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोसेस को क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है तीसरी एक प्रोसेस होती है जब भी हम रनिंग करते हैं या कोई फ़िज़िकल वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी ऑक्सीजन तो लेती है लेकिन जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी बनाने के लिए वो ऑक्सीजन जो है वो सफिशियंट नहीं होता इसीलिए बॉडी क्या करती है मसल्स के पास जो ऑक्सीजन है उसको खींचती है जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और हमको क्रैम्पिंग होती है पेन वगैरह होता है क्लियर तो ये तीन प्रोसेसेस होती हैं जिन तीन प्रोसेसेस में जो ऑर्गेनिज्म है दैट विल कन्वर्ट द एनर्जी दैट विल मेक द एनर्जी एंड सेंड इट टू रेस्ट पार्ट ऑफ़ द बॉडी अब मेन बात जो आती है वो क्या आती है कि सेल को क्या चाहिए ऑक्सीजन सबसे बड़ी बात दूसरी बात सेल एनर्जी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बना रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है तो उसको रिमूव करना भी चाहिए रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है तो एक ही टाइम पर बॉडी को दो काम करने हैं बॉडी को क्या क्या करना है एक उसको हर एक सेल के पास ऑक्सीजन भेजना है और दूसरा एनर्जी के साथ जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसे वहाँ से रिमूव करना है सो फॉर दैट प्रोसेस वी नीड अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हेल्प्स अवर बॉडी टू रिमूव अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सो टूडे वी आर गोइंग टू डिसकस दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हाउ इट वर्क्स एंड हाओ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर एक्सचेंजड इन अवर बॉडी जैसा कि आप देख सकते हैं यही हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड इन द सिस्टम आई विल गोइंग टू डिस्कस हाउ एवरीथिंग हैपन्स विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर सबसे पहले हमें सांस लेनी है तो सांस लेने का जो हम काम करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं ये ये है हमारी नेज़ल पैसेज या फिर इसको हम नेज़ल कैविटी भी कहते हैं यहाँ से हम सांस लेते हैं क्लियर सांस लेने का मतलब कि एयर में से हम ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं अब ये जो ऑक्सीजन हमने इन किया इसको फिल्टर करने का काम क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन तो आता नहीं है एयर के अंदर और भी गैसेस मिक्स होती हैं तो इसको फिल्टर करने का काम हमारी नोज़ के अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं वो करते हैं क्लियर इसी के साथ साथ एक लाइनिंग भी होती है म्यूकस जो इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद नोज़ कैविटी से या नेजल पैसेज से ये जो एयर है ये कहाँ आती है यहाँ पर ये क्या है फेरिंग्स फेरिंग्स वैसे एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और ये एलिमेंट्री कैनाल और हमारा जो लंग्स है इनको जोड़ने का काम करता है उसी के बिल्कुल नीचे एक पार्ट है लरिंग्स लैरिंग्स क्या होता है इट इज़ नोन एज़ वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर किसी का लेरिंग्स ख़राब हो जाता है या लेरिंग्स अच्छे से काम नहीं करता तो दैट पर्सन बिकम्स अनेबल टू स्पीक अनेबल टू अनेबल टू सेड अ सिंगल वर्ड ही कॉन्ट स्पीक अ सिंगल वर्ड इफ इज लेरिंग्स इज डैमेज लेरिंग्स जो है uh, उसको हम कह सकते हैं कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है बट फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल क्लियर फॉर वट परपज़ फेरिंग्स इज़ यूज इट इज़ यूज एज फॉर यू नो प्रोटेक्टिंग आवर थ्रोट फेरिंग्स एंड लरिंग्स उसके बाद क्या है उसके बाद नीचे ये ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ट्रैक कहते हैं ये एक पैसेज है पूरा एयर का जहाँ से हमारी एयर चल रही है और ये चीज़ें क्या कन्फर्म करती हैं ये चीज़ें कन्फर्म करती हैं कि जो ये एयर का फ्लो है ये कहीं पर भी रुके ना क्लियर तो यहाँ से आगे आते आते एयर कहाँ आती है यहाँ पर आ जाती है ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स इनमें आ जाती है इनके अंदर भी छोटी-छोटी आगे पार्ट्स हैं छोटे छोटे ब्रांचेस बनी हुई हैं जिन ब्रांचेस में ये ऑक्सीजन फ़्लो करती है और इनको कहते हैं ब्रोंकी इन ब्रांचेस की फर्दर सब ब्रांचेस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एक ब्रांच हो गई और इन ब्रांचेस के अंदर ये आगे सब ब्रांचेस हैं ये छोटी छोटी जो बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं इनको हम कहते हैं ब्रॉन्कील्स क्या कहते हैं ब्रॉन्कील्स एंड एट द एंड ऑफ द ब्रॉन्कील्स द मेन थिंग हैपन्स लास्ट में एक पार्ट है एलविओली एलवियोली क्या है एक बैलून होता है ना जैसा छोटा बैलून तो ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं ये जो एंड पे हैं बिल्कुल ये एल क्या काम करते हैं ये गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं ठीक है थीके? तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है तो व्हाट इज़ द आंसर द आंसर इज़ एल क्लियर एल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स तो ये ऑक्सीजन जो है आपकी नेजल कैविटी और इस पूरे में से पास होता हुआ कहाँ तक आया एल तक आया अब एल में क्या होता है मान लो ये आपकी एल है तो ये यहाँ पर पूरे तरीके से ब्लड से लबालब भरी रहती है इट इज़ सराउंडेड बाय ब्लड अब ब्लड क्या काम करता है सेल ने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाया वेस्ट प्रोडक्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड उसको वहाँ से उठा के कहाँ तक ले आता है एल तक ले आता है एल में वो गैसेस का एक्सचेंज करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ से उठा कर लाया उसको वो यहाँ दे देता है और यहाँ पर जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसको लेकर वो आगे सेल्स को ट्रांसफ़र कर देता है जिससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है और एनर्जी बनती रहती है क्लियर इसी प्रोसेस में और क्या क्या काम होता है अब ये जो लंग्स हैं ये बड़ा ना बड़ा एक नाजुक पार्ट है बड़ा एक सॉफ्ट पार्ट है इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ये रिंग्स ऑफ कार्टियलेज लगी रहती हैं जिसको हम रिब्स भी कहते हैं और हिंदी में इनको पसलियाँ भी कहा जाता है हम कहते हैं ना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा तो हड्डी पसली मतलब पसलियाँ आर वन ऑफ द थिंग्स विच आर प्रोटेक्टिंग अवर लंग्स फ्रॉम बींग डैमेज क्लियर ये नीचे का जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये क्या है ये लंग्स को सपोर्ट करने का काम करता है जैसे ही आप सांस लेते हैं आप क्या करते हैं आपकी चेस्ट जो है वो फूल जाती है और डायफ्राम आपका ऐसा इस शेप से इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है वो फ्लैटन हो जाता है फ्लैटन होने की वजह से जो लंग्स हैं उसका एरिया बढ़ जाता है लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी स्टोर्ड इन द लंग्स उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट करते हैं तो ये दोबारा अपनी शेप में आ जाता है ओरिजिनल शेप में और दोबारा हमारी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है क्लियर तो ये प्रोसेस चलता है रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम में तो सबसे मेन चीज़ आपने देखी मेन चीज़ क्या थी सबसे एल्वियोली जो गैसेस के एक्सचेंज का काम कर रही हैं कहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लियर तो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस अब हमको ऐसा लगता होगा कि हमारा लंग्स जो है वो 100 परसेंट गैसेस को ऑक्सीजन को मतलब सेल्स के पास भेज देता है और 100 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रू आउट कर देता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारा लंग्स है उस लंग्स के पास हमेशा कुछ एयर बची होती है जिसे कहा जाता है रेजिडुअल एयर रेजिडुअल का मतलब ही बचा हुआ होता है कि लंग्स कभी भी 100 परसेंट ऑक्सीजन भी यूटिलाइज नहीं कर पाता और लंग्स कभी भी 100 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को भी थ्रो आउट नहीं कर पाता इसीलिए इमरजेंसी केस के लिए जो रेजिडुअल एयर बची रहती है इसीलिए उसको हम रेजिडुअल एयर कहते हैं क्लियर सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ़ रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्कस हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म देअर डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्लियर अच्छा बॉडी साइज़ जो होता है एनिमल का वो लार्ज होता है इसी लिए आ, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो सफिशियंट नहीं होती ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाने के लिए इसी लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या काम करता है ऑक्सीजन लेता है एयर से लंग से और उसको सभी टिश्यूज़ को कैरी कर देता है ठीक है तो यहाँ पर वो पिगमेंट जो है ह्यूमन बींग्स में उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है वो हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होता मतलब वो बहुत हाई ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है अब ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ है तो रेड ब्लड कारपोसल्स में ब्लड के किस पार्ट में होता है रेड ब्लड सेल्स में क्लियर अब आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में देन इन ऑक्सीजन इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और डिज़ोल्व होने के बाद उसको लंग्स तक रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ट्रांसफ़र करने के बाद उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है क्लियर अब एक आपने सुना होगा कि लंग्स कैंसर होता है तो लंग्स कैंसर क्या होता है लंग्स कैंसर में जो अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया ये सीलिया क्या करते हैं ये जर्म्स और डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं ताकि हम उन्हें इनहेल ना कर पाएँ स्मोकिंग करने की वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं इसीलिए लंग्स के अंदर डस्ट स्मोक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं और इसी की वजह से हमें लंग्स कैंसर होता है क्लियर सो एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ अवर बॉडी सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अवर बॉडी हमें अपनी बॉडी को जानना भी तो बहुत जरूरी है ना कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं क्या क्या हम काम कर रहे हैं सो टू नो ऑल दिस फंक्शंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी एंड वन ऑफ़ द सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम यू हैव टू study this topic from different uh, reference book and or you can also prefer ncrt book and you will find yourself that you will know this system very clearly after listening this uh, video still if you have any doubts i have given my number in the description box if you need any type of pdf any type of help any type of question answers you can whatsapp me there Clear? in the next video we will discuss about the transportation system in human beings till then uh, goodbye, take care. If you like the video, hit the like button, share it with your friends, and comment me in the comment section if you like anything about the video. Thank you very much. We will meet in the next video.